डियर uh, स्टूडेंट्स हम क्योंकि अब एक्सपेरिमेंटल uh, रिसर्च को एज आ रिसर्च डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो जिसको हम uh, कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में हम बार बार एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंक्वायरी में जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको रेफ़र किया जाता है एज सब्जेक्ट्स प्री टेस्ट ये यानी जब आप एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें अपने इंटरवेंशन से पहले जो है आप अपने वेरिएबल को मैयर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्री टेस्ट असेसमेंट और पोस्ट टेस्ट असेसमेंट जो होती है वो एक जो होती है एक ऐसी असेसमेंट होती है जो इंटरवेंशन के बाद की जाती है यानी आप अपने जो आपके स्टडी ग्रुप अंडर स्टडी हैं उनको जब इंटरवेंशन uh, के बाद स्टडी करते हैं उनकी uh, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर असेसमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट असेसमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप

तो कंट्रोल ग्रुप uh, हम रखते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ द कंट्रोल ग्रुप विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रेंडम असाइनमेंट पार्टिसिपेंट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूजिंग अ रेंडम प्रोसेस सो द एक्सपेरिमेंटल कैन ट्रीट द ग्रुप्स एज इक्वलेंट तो रैंडम uh, असाइनमेंट में uh, जो है सैम्पल को जो आपने सेलेक्ट किया उसको दो uh, जो है रैंडमली जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उसमें जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर रहें इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट डिसेप्शन आ लाई बाय एन एक्सपेरिमेंट टू पार्टिसिपेंट्स अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और द क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स इंप्रेशन थ्रू हिज और हर एक्शंस और द सेटिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में सम टाइम जो है हम Uh, जो है अपना जो इंटरवेंशन है वो प्रॉपरली बता नहीं रहे होते रिस्पॉन्डेंट्स को तो इस प्रोसीजर uh, को हम डिसेप्शन कहते हैं एंड कॉन्फिडरेट अ पर्सन वर्किंग फॉर द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटर हु एक्ट्स एज अदर पार्टिसिपेंट और इन अ रोल इन फ्रंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू डिसीव देम विद एन अक्सपेरिमेंट्स कवर स्टोरी तो वो रिस्पोंडेंट के तौर पे जो परफॉर्म कर रहा है मगर वो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल का बंदा जो कि ऑब्जर्व कर रहा है रिस्पोंडेंट्स को तो उसको हम कॉन्फिड्रेट कहते हैं इस प्रोसेस को वट इज अ कवर स्टोरी इट्स अ टाइप ऑफ डिसेप्शन इन विच द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटेड टेल्स अ फॉल्स स्टोरी टू पार्टिसिपेंट सो दे एक्ट एज वॉन्टेड एंड डू नॉट नो दू हाई पॉथसेस तो इसको uh, हम जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एथिकली करेक्ट समझते हैं कि हम एक इंटरवेंशन के बारे में एक्जैक्टली uh, exactly ना बताएं इन ऑर्डर टू सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट इंटरवेंशन क्योंकि ये समझा जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में uh, एक चीज़ है कि जब आप एक इंटरवेंशन बता देते हैं तो रिस्पॉन्डेंट्स फिर इंटेंशनली उसके ऊपर बिहेव करते हैं